व्याख्यान माला के क्रम में विषय परम पूज गुरुदेव का जीवन दर्शन के क्रम में हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम सभी के मध्य पधारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। साथ ही साथ स्वागत है, अभिनंदन है श्रीमती साधना सिंह चौहान जी का। दीप प्रज्वलन के साथ आइए, इस क्रम का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। करतल ध्वनियों के माध्यम से स्वागत का क्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार देव संस्कृत विश्वविद्यालय के भाव सादर समर्पित हैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को। दीप प्रज्वलन। ॐ अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूविष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। आइए हम सभी कुल गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े रहें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता को नमन कर हम उनके संकल्पों का पुनर्बोध करते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कुल गीत का सत्स्वर गान हम सभी साथ साथ करने जा रहे हैं। कुल गीत प्रारंभ। का जो अनवरत आधार है मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ कुल जनन की दिव्य मृदु रसधार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। है यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। सुखिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुलपिता युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की दिव्य संकल्पना देव संस्कृत विश्वविद्यालय और शांतिकुंज हरिद्वार और आज शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दर्शन विषय पर हम सभी को अपने अनुभवजन्य विचार प्रस्तुत करने के लिए पधारे
आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं आपकी सहधर्मिणी श्रीमती साधना सिंह चौहान जी का हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय में एक बार पुनः अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सबके जीवन को परम पूज्य गुरुदेव का स्पर्श मिला। आइए, स्वागत के क्रम में मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस क्रम में विधिवत हम सभी की ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का। जोरदार तालियों से हम सभी अपने भावों को इस क्रम में जोड़ते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय श्रीमती साधना सिंह चौहान जी का। हम सबकी करतल ध्वनियाँ उन भावों को अर्पित करती है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के प्रचंड तप, लेखन और उनकी कालजयी योजनाओं के बीच अपना बचपन गुजारा। तप तितिक्षा का अभ्यास जो पूज्य गुरुवर करते थे, उनसे सदैव वे स्वयं प्रेरित होते रहे और बाल्यावस्था के उन शिक्षणों को लेकर के युवावस्था में उन्हीं संस्कारों को लेकर वो देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में गए। चाहे डिमेंशिया एसोसिएशन को हेड करना हो, चाहे उसके बाद देव संस्कृत विश्वविद्यालय की सेवा में भारत पधारना हो, उसके पश्चात भी पूज्य गुरुवर परम वंदनीय माता के आशीर्वाद से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के मार्गदर्शन में जो निरंतर, चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पीस चार्टर तैयार करना हो तो, विश्व के नोबल पुरस्कार सरीखे टेम्पल्टन पुरस्कार की जूरी में नेतृत्व करना हो तो, भारत के योग को विश्व का गौरव बनाने हेतु यूनेस्को में भारत के योग का प्रतिनिधित्व करना हो तो, और देव संस्कृत विश्वविद्यालय को 60 से ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थानों तक ले जाने का अहर्निश पुरुषार्थ करने के साथ साथ सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज़ जो एशिया का एकमात्र सेंटर है उसको स्थापित करना हो तो, स्वयं चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें के भाव से जो निरंतर कार्यरत हैं, हम सबके युवा प्रेरक हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया इस कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी का अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र सही पूछें तो प्रकाश के अवतरण को साकार करने का मंत्र है, जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं, लाइट कहते हैं। उस प्रकाश के दो आयाम इस धरती पर हैं, एक का नाम है ऊर्जा और दूसरे का नाम है आभा। बाहर के अंधकार को दूर करने के जो माध्यम है, जो प्रकाश के माध्यम से आते हैं, ऊर्जा के माध्यम से आते हैं, उन सब की अपनी एक समय सीमा कालावधि निर्धारित है। दीपक कितना भी जले, एक न एक दिन बुझ ही जाता है। ट्यूबलाइट कितनी भी जले, एक न एक दिन फूकी जाती। भगवान सूर्य भी एक न एक दिन थक जाते हैं और ब्लैक होल में बदल जाते हैं। पर जो आंतरिक प्रकाश है, अंदर के ज्ञान की अग्नि है, वो एक बार उद्दीप्त होती है, प्रकाशित होती है, प्रज्वलित होती है, तो उसको तिरोहित करने का उपाय संसार में नहीं है। यदि अंदर का ज्ञान एक बार व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ, बोध आया, उजाला हुआ, उस प्रकाश का अवतरण हुआ जो जन्म जन्मांतर के कर्मों का क्षय करता है, उस प्रकाश का अवतरण हुआ जो चित्त पर छाए कलुष को, कुसंस्कारों को समूल नष्ट करता है, तो फिर मनुष्य के जीवन में उस प्रकाश की संभावना आती है, उस पवित्रता की संभावना आती है, उस प्रखरता की, उस तेजस्विता की संभावना आती है, जिस ओर चलने का इशारा गायत्री का मंत्र करता है। ये कहता है कि मनुष्य के जीवन में सौभाग्य की संभावना भी है, दुर्भाग्य की भी है। गिरना शुरू करे तो व्यक्ति अंगुलीमाल बनता है और उठना शुरू करे तो व्यक्ति बुद्ध बनता है। नीचे गिर गया तो दुष्टता का, अपराध का, पाप का, पतन का, पराभव का मार्ग खुला है, और ऊपर उठ गया तो व्यक्ति ऋषि मुनि, संत सिद्ध महात्मा, पूज्य गुरुदेव में बदल जाता है। वो संभावना जो हमारे व्यक्तित्व को हमारे अंतिम शिखर पर ले जाके प्रतिष्ठित करती है, हमारे जीवन के सभी आयामों को प्रकाश से, पवित्रता से अभिपूरित करती है, वो संभावना हमारे जीवन में जाग सके, इस भाव के साथ माँ गायत्री का ये पावन मंत्र कमर सीधी करके उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सन्मार्ग की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओ सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवः
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये पावन पर्व, जब हम शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में, और शांति कुंज का तात्पर्य उस भूमि से है जो इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तपस्थली रही, जिनकी उपस्थिति से वो भूमि अपने आप को सौभाग्यशाली और कृतार्थ अनुभव करती रही, उस शांति कुंज का आज जब हम 50वां वर्ष मना रहे हैं स्थापना का, तो इस शुभ अवसर पर आज के इस व्याख्यान माला के क्रम में हम लोगों के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब के अपने अनन्य आत्मीय, एक साथ ज्ञान और संवेदना, विवेक और वेदना दोनों ही आयामों के शिखर पर उपस्थित गायत्री परिवार के अनन्य, गायत्री परिवार के आत्मीय आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका गायत्री परिवार के साथ बहुत लंबा, गहरा, घनिष्ठ और प्रेम से भरा संबंध रहा है। आज जब वो मुख्य अतिथि के रूप में उनके अपने इस मृत्युंजय सभागार के अंदर उपस्थित हैं, तो मन में गौरव का भाव भी आता है और मन में प्रेम का, घनिष्ठता का भाव भी आता है। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम दोनों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ में उपस्थित आदरणीय साधना दीदी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय शरद मावा जी, आदरणीय श्री बलदाव जी, शांति कुंज की संगीत टोली के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री विद्यापीठ के सभी आचार्य आचार्यगण, प्यारे विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज का ये जो शुभ दिन है जब हम एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से गुरुदेव के जीवन के विषय में सुनने के लिए एकत्रित हैं, जिनने न केवल गुरुदेव के चिंतन को पढ़ा, सुना, समझा, आत्मसात किया, बल्कि उनके विचारों की आग से इस कदर उद्वेलित हुए कि उनने अपने सामाजिक जीवन के एकदम उच्चतम शिखर को छुआ। और जब आज एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए आज हम लोग एकत्रित हैं, तो आज के दिन को मैं एक अतुलनीय सौभाग्य कह करके पुकारना चाहता हूँ। और वो सौभाग्य कहने के पीछे का कारण इसलिए है क्योंकि आज का ये दिन आत्मिक दृष्टि से सौभाग्य को लेकर के आया है। सौभाग्य की वर्षा मनुष्य के जीवन में दो द्वारों से होती है, या यूं कहें कि सौभाग्य दो तरह के होते हैं। कुछ सौभाग्य तो ऐसे हैं जिनका मूल्य लौकिक दृष्टि से है, भौतिक दृष्टि से है, सांसारिक दृष्टि से है, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संपत्ति मिले, संपदा मिले, इन सब का अपना मूल्य है, पर इन सब की समय सीमा निर्धारित है। व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ भी मिले तो अगले वर्ष किसी और को मिलते ही पुराना हो जाता है। आपको विश्व रिकॉर्ड भी मिल जाए, आप विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त भी कर दें, तो किसी और के तोड़ते ही विश्व रिकॉर्ड पुराना हो जाता है। पर एक सौभाग्य ऐसा है जो यदि व्यक्ति को एक बार मिलता है तो उससे छुड़ा पाने का कोई उपाय नहीं, और वो सौभाग्य आध्यात्मिक पराकाष्ठा की उस क्षण को प्राप्त करना है जब किसी सद्गुरु के साथ व्यक्ति का मिलन हो पाता है। जन्म जन्मांतर के तप, जन्म जन्मांतर के पुण्य, जन्म जन्मांतर का प्रकाश यदि कभी एक साथ फलित और उदित होता है, तब जाकर मनुष्य के जीवन में वो संभावना आती है जब हम गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ पाते हैं। घटना रोज नहीं घटती, जन्म जन्मांतर के पुण्यों के संग्रहित होने पर घटती। मुझे याद आता है कि गुरुदेव के साथ चलने वाले जो बड़े घनिष्ठ शिष्य थे, आदरणीय श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी, अभी कुछ समय पहले ही उनका देहावसान हुआ। 60 के दशक में, 70 के दशक में गुरुदेव के साथ बहुत टोलियों में चले, अकेले ही चलते थे, और जब वो गुरुदेव से जुड़े तो उनके जो जुड़ने की घटना थी वो बड़ी अद्भुत थी। उनके अपने गुरु हुआ करते थे, नाम था नागर बाबा, और उनने अपना शरीर त्यागा, और शरीर त्यागने के 3 महीने के बाद वो उनको सपने में आए, और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, और बोले इस धरती पर मेरी मुक्ति कर पाने की सामर्थ्य अवतारी चेतना के पास ही है, और इस संसार में अवतारी चेतना एक ही है और उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और बोले वो भी तब मैं मेरे को मुक्त करा पाएंगे जब वो उसी स्थान पर आएंगे, उसी कमरे में आएंगे, उसी कक्ष में आएंगे जहाँ पर मैंने शरीर को त्यागा। बोले तुम इस भूमि को उस योग्य बनाओ कि वो यहाँ पर आए,
गांव बड़ा छोटा सा है, मस्ती चक। हम लोग 3 वर्ष पहले गए तो उस वर्ष में पहली बार बिजली आई थी, तो आप सोच सकते हैं कि 50 के 60 के दशक में क्या स्थिति रही होगी। तो उनने अपने गुरु से सपने में पूछा कि क्या करूं कि भूमि इस योग्य बने। तो गुरु ने कहा कि आप कल से अनुष्ठान प्रारंभ करो, गायत्री का महापुरुषण शुरू करो, रोज 108 मंत्र सह आहुति दो, ये भूमि इस योग्य बने कि यहाँ पर गुरुदेव को बुलाया जा सके। उनने अगले दिन से शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजर गए। 3 वर्ष गुजरने के बाद उनके मन में संदेह आया, शंका हुई कि क्या पता मैंने ऐसे ही सपना देखा हो, कोई उसका आधार ना हो, कोई मूल ना हो। तो उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए, उनने हमें स्वप्न में आदेश दिया और स्वप्न के आदेश के बाद मैंने अनुष्ठान प्रारंभ किया, कुछ नहीं लिखा। 3 पेज की चिट्ठी में लिखा कि हमारा जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ है, यहाँ लोगों को गायत्री के विषय में पता नहीं है और आपसे ज़्यादा गायत्री के विषय में जानने वाला इस धरती पर कोई है नहीं, आप आए और हमारे क्षेत्र में उद्बोधन दें, व्याख्यान दें तो यहाँ के लोगों का कल्याण होगा। ऐसा 3 पेज का पत्र उन्होंने गुरुदेव को लिखा। गुरुदेव ने 3 लाइन का उत्तर भेजा, आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी। 2 वर्ष और गुजरे, गुरुदेव आए, उस कक्ष में गए जिस कक्ष में उनने शरीर को त्यागा था, अंदर गए, चटकनी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले और रमेशचंद शुक्ला जी से बोले, मिलना है तो मिल लो। किससे मिल लो? उनके उन गुरु से मिल लो जिनने 5 वर्ष पहले शरीर को त्यागा था। अंदर गए तो देखा उनके गुरु साक्षात खड़े हैं और उनके गुरु उनसे बोले, जो उनसे बोले वो हमसे भी बोले, उनसे बोले कि बेटा मैं तो तेरा गुरु था, तुझे सदगुरु मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। सदगुरु से मिलने की जो घटना है वो जन्म जन्मांतरों में कभी एक बार घट पाती है, कितना सौभाग्य है हमारा। आज के समय में जब धर्म व्यापार बन गया है, अध्यात्म के नाम पर आस्था की दुकानें खुली दिखाई पड़ती और लोग भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन भी इस आधार पर करते हैं कि कौन कितनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, जो जितनी करे वो उतना बड़ा भगवान, उतना बड़ा गुरु हो जाता है। ऐसे समय में न शिष्य उपयुक्त हैं और न गुरु उस योग्य मिल पाते हैं, भ्रमित करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे विषाक्तता भरे समय में, ऐसे विकृत मानसिकता के दौर में कभी कभी सदगुरु मिलते भी हैं तो लोग मूल्य समझ नहीं पाते। सदगुरु तो वो होता है जिसका जीवन में प्रवेश होता है, तो प्रवेश होते ही चिंतन, चेतना, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार सबका रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। उसका स्पर्श हुआ नहीं कि हमारी चेतना ऊपर उठने के लिए अकुलाने लगती है, उसके निकट बैठना ही उपासना बन जाता है, उसका स्पर्श करना ही साधना बन जाता है, उसके लिखे को पढ़ना ही स्वाध्याय बन जाता है, उसके चरणों का स्पर्श ही तीर्थ यात्रा बन जाता है। और वो सौभाग्य हम लोगों को मिला। सही पूछूं तो आज आदरणीय श्री शिवराज जी को यहाँ बुलाने के पीछे एक बड़ा लोभ था। यदि आप लोग उनकी उस कहानी को सुने, जब उनकी गुरुदेव के साथ मुलाकात हुई और उस कहानी को 3 बार सुनने का अवसर मुझको मिला, कल भी जैसे ही उनका प्रवेश हुआ तो आते ही उनने पहली बात यही बोली कि घर में आ गया, और गुरुदेव के फोटो को देखा तो देखते सही उनने फिर से उस घटना का जिक्र शुरू किया जो वर्षों पहले घटी। और उनको बुलाने के पीछे, इस कहानी को आप लोगों के साथ सुनाने के पीछे एक मन में कहीं लोभ था कि जितनी बार मैंने उस घटना को सुना है उतनी बार मेरे रोम रोम में सिहरन आई है, मन में भाग्य की लहरें उठी हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य कि गुरुदेव के साथ हम लोग जुड़ सके। आप भी सुने और महसूस करें कि क्या सौभाग्य हम लोगों के पास आया। बालकों के जैसा निर्मल हृदय, माँ की तरह करुणा, स्फटिक जैसा चरित्र, महापुरुषों की तरह गंभीरता, युग को बदल देने वाला चिंतन, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में उनके दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति उनके विषय में सुन भी बड़ी मुश्किल से पाता है। नर के रूप में नारायण, इंसान के रूप में भगवान, मानव के रूप में महामानव, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में लोग पुराणों में, इतिहास में, आख्यानों में पढ़ते हैं, पर उनको सामने से देख पाने का सौभाग्य, उनको सुन पाने का सौभाग्य, उनको स्पर्श कर पाने का सौभाग्य, उनके कुर्ते को छू पाने का सौभाग्य, उस भूमि पर चल पाने का सौभाग्य जहाँ पर वो कभी चले होंगे, उस स्थान पर बैठने का सौभाग्य जहाँ पर वो कभी बैठे होंगे, उनकी चेतना का प्रतिनिधि बन पाने का सौभाग्य, उनकी योजना का अधिकारी बन पाने का सौभाग्य न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद व्यक्ति को मिल पाता होगा। हम लोग सौभाग्यशालियों में से हैं कि हमने भगवान को देखा है। हम लोग सौभाग्यशालियों में से हैं कि हम उनके विचारों की आग से उद्वेलित हुए, उनकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कहीं हमारे हाथ लगे। पर मैं कहूँगा कि इस पर भी हम दुर्भाग्यशाली होंगे यदि उनकी योजना को पूरा करने का साहस न जुटा सके। सब जगह पर प्रकाश हो और हम ही आग भींच करके बैठ जाएं,
सब जगह पर फुहारें आए, बारिश हो, बादल झमाझम गिरें और हमारे आंगन सूखे रह जाएं, भगवान आए दरवाज़ा खटखटाएं और हम चटकरी लगा के बैठ जाएं, तो भाग्य विहीनता का शिखर होगा। न सुना होता गुरुदेव का नाम और न जाना होता कि गुरुदेव कौन है, तो मरने के बाद बहाना होता हमारे पास, ये कह सकते थे कि भगवान के पास विधाता, हमारे पास पुण्य नहीं थे इतने कि गुरुदेव को देख पाते, इतने पुण्य नहीं थे कि शांति कुंज में कदम रख पाते, इतने पुण्य नहीं थे कि समाधि पर सर रख पाते, पर आज जब यहाँ पर आए और अनगढ़ के अनगढ़ रह गए तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। बांस के बांस रह गए, बांसुरी न बन पाए, बीज के बीज रह गए, फूल न बन पाए, पत्थर के पत्थर रह गए और प्रतिमा न बन पाए, तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होगा। ये सौभाग्य का क्षण है कि गुरुदेव से मिलने का अवसर हम लोगों को मिला। ऐसी घटना न जाने कौन से जन्म के पुण्य के बाद व्यक्ति को नसीब हो पाती है। रामायण की घटना को आप याद करें, रामायण का क्षण आया, भगवान ने पुकारा और भगवान के सामने संकट बड़ा था। उस समय में भगवान के पास ये भी जरूरी था कि अनीति का अंत हो, राजकता का अंत हो, वांछनीयता का अंत हो, असुरों का अंत हो, पर यह भी जरूरी था कि धर्म की प्रतिष्ठा हो, नीति आए, राम राज्य की स्थापना हो, अशुभ जाए जरूरी था पर शुभ की शुरुआत हो, यह भी जरूरी था। लंका का अंत हो, दशानन का विध्वंस हो, जरूरी था पर राम राज्य की प्रतिष्ठा हो, यह भी जरूरी था। दुष्प्रवृत्तियां जाए जरूरी था, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हो, यह भी जरूरी था। भगवान ने पुकारा और जब भगवान ने पुकारा तो उनकी पुकार सुनकर के कौन आया? बड़े बड़े राजा घबराए। रावण का चित्र आपने देखा होगा तो देखा होगा, रावण साधारण व्यक्ति नहीं था, नीले रंग की व्यक्ति के ऊपर पैर रख करके बैठा है छाती पर, और नीले रंग का व्यक्ति कौन है? शनि भगवान। आप सोचो, जिन शनि भगवान से आधी दुनिया कांपती है उनकी छाती पर रावण पैर रख करके बैठता था। 9 ग्रहों का स्वामी, 27 नक्षत्र उसकी परिक्रमा करते थे। मेघनाद पैदा होने को हुआ तो रावण ने सब ग्रहों को आदेश दिया कि जाके उच्च ग्रहों पर बैठ जाओ, ऊंची पोजीशन पर जाके बैठ जाओ, सिर्फ शनि के सब जाकर के बैठे। इतना बलशाली ऐसा दशानन रावण, जिसका नाम सुनकर एक से एक बढ़कर के राजा कांपते थे, तब भगवान की पुकार सुनकर के कौन आगे आया? नलनील आए, वृद्ध जटायु आए, छोटी सी गिलहरी आई, बूढ़ी शबरी आई, हनुमान आए, जामवंत आए। जो कहानी का मर्म है वो बड़ा स्पष्ट है, बल साधनों का नहीं, बल साधना का चलता है। व्यक्ति के पास कितनी सेना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर कितनी भावना है महत्वपूर्ण होता है। जिसकी भावना हो उसके उछाले गए पत्थर भी पानी पर पुल बन जाते हैं। प्रश्न इस बात का है कि जब आज का समय सौभाग्य को लेकर के आया तो हम सौभाग्य को महसूस कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, सांप सीढ़ी के खेल में 7वें 8वें नंबर का सांप काट जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होता, 99वें नंबर का काटे तो बड़ा मन में दुख होता है। ये वैसा ही है, 90 पर हम लोग पहुँच गए हैं, मनुष्य का जीवन है, परमात्मा की योजना है, गुरुदेव का संरक्षण है। शांति कुंज में, हरिद्वार में, इन सारे परिवर्तनों के, युग परिवर्तनों के गर्भगृह में हम लोग विद्यमान हैं। अपने आप को सांप से कटा बैठेंगे तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। सौभाग्य है कि हम लोगों को भगवान यहाँ लेकर के आया, हमारे द्वारा कुछ अच्छा घटे, हमारे द्वारा उस परिवर्तन को हम लोग साकार कर सकें जिस परिवर्तन का स्वप्न पूज्य गुरुदेव ने देखा, और जिनके साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य को हम लोग पूरा कर सके, तो शायद हमसे ज़्यादा नसीब वाला और व्यक्ति इस दुनिया में और कोई ना हो। समय श्रेय को प्राप्त करने का है। आज की जो परिस्थितियाँ हैं विषाक्तता से भरी हैं, विपरीतताओं से भरी हैं, कष्ट कठिनाइयों से भरी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तूफान उठ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आंधियां आ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कयामतों की कतारें लगी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जब तूफान आते हैं तो मोमबत्तियां बुझने की तैयारी करती हैं और तूफाने धू धू करके मशाले जलती हैं। ये समय मोमबत्तियों के बुझने का और मशालों के जलने का है। जो मशाल है वो जलने की तैयारी करें और जो मोमबत्तियाँ हैं वो अपने बुझने की तैयारी करें। ये समय दुर्भाग्यशालियों के लिए दुर्भाग्य को समेटने का और सौभाग्यशालियों के लिए सौभाग्य को संवारने का है। आज गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य को हम लोग सराहें। आज के शुभ दिन जब हम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ सुनने के लिए एकत्रित हैं, तो अपने मन में उन्हीं भावनाओं के एक संस्मरणों को लेकर के जाएं, जिसके माध्यम से जीवन में एक नई क्रांति जन्म लेती है। आज का दिन इन्हीं संभावनाओं को, इन्हीं सुनिश्चितताओं को लेकर के आया है। आज दुर्भाग्यवश श्रद्धेय कुलाधिपति जी हम लोगों के मध्य उपस्थित नहीं हो पाए,
उनकी भी भावना यही है कि इस सुअवसर पर, इस सौभाग्य के अवसर पर इन्हीं क्रांति के बीजों को हम लोग लेकर के जाएं, मन में इन्हीं संभावनाओं को लेकर के जाएं और जीवन में एक नई संभावना का, नई चेतना का अंकुरण हो, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, ऐसी मंगल कामनाएं। आज के इस अवसर पर पुनः आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को समस्त गायत्री परिवार की ओर से शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय ब्रह्मचर्य शोध संस्थान गायत्री विद्यापीठ सभी परिवारों की ओर से भावभरी शुभकामनाएं, भावभरी मंगल कामनाएं। आप सबको बहुत सारा प्रणाम। प्रेरणा से भरे इन भावों हेतु हम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का हृदय से आभार करते हैं। जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है कि हम सभी इस युग के युग ऋषि के साथ कार्य कर रहे हैं। वे जो कभी कबीर थे, वे जो कभी समर्थ गुरु रामदास थे, वे जो कभी श्री रामकृष्ण परमहंस थे, वे इस युग में युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन करके आए। आइए, राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई, इस प्रज्ञा गीत का हम श्रवण करें और अपने भावों को तैयार करें कि इस भाव के साथ हमारे मन की श्रद्धा प्रगाढ़ हो और श्रद्धा को सक्रियता दे, हम और उत्साह से जुट पड़े युग कार्य में। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत, राम और श्री राम एक। राम और श्री राम एक है, राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दुराई। सुनो रे संतो गुरुओं की प्रभुताई, सुनो रे संतो गुरुओं की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई। अयोध्या में जन्मे थे ऋषिकेश तब त्यागा, राम अयोध्या में जन्मे थे ऋषिकेश तब साधा, बला अति बला विद्या पाई चीर अनेकों बाधा, बला अति बला विद्या पाई चीर अनेकों बाधा, हर दूषण तिसरा बलिवध कर ठकुराई दिखलाई, घर दूषण तृष्णा बलिवध कर ठकुराई दिखलाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई। खेड़ा में जन्मे तप किया हिमालय जाकर, आवल खेड़ा में जन्मे तप किया हिमालय जाकर, किया जागरण कुंडलिनी का चौकी रोटी खाकर, किया जागरण कुंडलिनी का चौकी रोटी खाकर, ब्रिटिश हुकूमत मार भगाने की थी
कठिन लड़ाई, ब्रिटिश हुकूमत मार भगाने की थी कठिन लड़ाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। विराट संगठन करता भी दोनों हैं, दोनों पुरुष विराट संगठन करता भी दोनों हैं, संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं, संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों विमल हृदय सुखदाई, मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों विमल हृदय सुखदाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम जन्मे कलयुग में धर्म कर्म सब भूले, श्री राम जन्मे कलयुग में धर्म कर्म सब भूले, वह साहित्य लिखा जो नास्तिक के मन को भी छूले, वह साहित्य लिखा जो नास्तिक के भी मन को छूले, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की ज्योति अखंड जलाई, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की ज्योति अखंड जलाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई, राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, 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 सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती का यह ऐतिहासिक अवसर और शांति कुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला के क्रम में आज का विषय परम पूज गुरुदेव का जीवन दर्शन, और इस एक ऐतिहासिक अवसर पर यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्तित्व हम सभी के मध्य पधारे हैं जिन्होंने स्वयं पूज गुरुवर का स्पर्श पाया। युवावस्था से ही जनसेवा में संवेदना के साथ जो निरंतर जुटे रहे हैं, संवेदना के उन्हीं भावों के साथ जन सरोकार को लेकर के जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो भी चलाई हैं, उसमें उनके शुभ भाव शुद्ध भाव कुछ ऐसे प्रकट होते हैं जैसे वो सप्त क्रांतियों के उन भावों को लेकर के जन जन की सेवा कर रहे हैं। चाहे बच्चियाँ हों, चाहे बालक हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, सभी उम्र वर्गों के लिए और सभी के लिए निरंतर सेवारत एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन जन से जैसे अपना सा नाता है, सभी उन्हें अपना मानते हैं। और यही क्रम है कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, बड़ी भूमिकाओं में वो निरंतर दशकों से अपनी सेवाएं जन जन को देते आ रहे हैं। हम सभी यदि अपने भावों से कहें तो उन्हें देख करके उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी आत्मीयता से अपनापन सा अनुभव करते हैं और ऐसा लगता है कि एक गायत्री साधक कर्मयोग में निरत है जिन्हें गुरु और गायत्री का अपना सामिप्य सानिध्य प्राप्त हुआ। आज वे हमारे इस युग तीर्थ गायत्री तीर्थ की स्वर्ण जयंती में और देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पधारे हैं। आप सभी के भावों के साथ
अहर्निश सेवारत एक ऐसे ही हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया हम सभी के मध्य पधारें और आज के इस स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला में हम सभी को प्रेरणा प्रदान करें। आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मेरा सौभाग्य है कि यहां आने का अवसर फिर मिला। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। अभी जो हमारे बीच बोल रहे थे, जिनके चेहरे पर तेज और वाणी में ओज है, गुरुदेव की कृपा जिन पर सदैव बरसती है, वैसे हमारे प्रतिकुलपति श्रद्धेय चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय शरद जी, आदरणीय बलदाऊ जी, मेरी धर्मपत्नी साधना जी भी हमारे बीच है और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्योंकि गुरु भाई तो हैं ही हम, और मेरे भांजे भांजियों, अब मध्य प्रदेश का मामा है, मामा हूं तो आपका भी मामा ही हूं। अच्छा, एक तो मामा होता है जो माँ का भाई हो, लेकिन एक मामा वो होता है मामा जिसके मन में बेटियों के लिए दो मां का प्यार हो। श्रद्धेय चिन्मय जी से मैं एक बात के लिए आपत्ति प्रकट कर रहा हूं। उनने मुझे कहा कि मैं मुख्य अतिथि हूं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए और फिर आ भी जाए तो हम कहते हैं अतिथि देवो भवा, निभानी पड़ता है। लेकिन मैं तो तिथि तय करके आया हूं। और दूसरी बात, गुरु के घर में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं, मैं भी घर वाला ही हूं, अंदर वाला ही हूं, बाहर वाला नहीं हूं, मैं इस विराट परिवार का सदस्य हूं। सचमुच में मन आनंद से, प्रसन्नता से, श्रद्धा से भरा हुआ है। एक बात मैं प्रारंभ में ही कह देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ श्रेष्ठ कर पा रहा हूं, जो अच्छा कर पा रहा हूं, वो परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से कर पा रहा हूं। कमियां मेरी है, वो कृपा बरसाते हैं, लेकिन पात्र जितना बड़ा होता उतनी तो भर पाता नहीं, तो फिर बाहर चली जाती है। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, 5000 साल का तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब पश्चिम के लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। प्राचीन और महान राष्ट्र के हम नागरिक, जो विश्व गुरु था, जिसने कभी कोई विचारधारा थोपी नहीं, कोई वाद मत पंथ थोपा नहीं,
मुझे कहते हुए गर्व है ये धरती वो धरती है जिसने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हमारे यहां मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अब आप देखिए अद्भुत देश है। कोई कहता है मैं साकार को मानता हूं, भगवान की मूर्ति उसी में भगवान है, उन भावना ऐसी प्रबल हो जाती कि उनके सामने नाचते हैं गाते हैं भगवान प्रकट हो जाते हैं। साकार को माना, ठीक है साकार को मानो। ऐसे भी विद्वान हुए जिनने कहा नहीं भगवान कैसे एक मूर्ति में आ सकता है, वो तो सृष्टि के कणकण में विराजमान है। हम साकार को नहीं मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। तो क्या तुम भी ठीक हो भाई, उसमें क्या दिक्कत है, साकार को मानो तो ठीक, निराकार को मानो तो ठीक। लेकिन चारवाक जैसे महर्षि भी हुए हमारे यहां, जिन्हें कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। शरीर तो माटी में मिल जाएगा, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो उनका यार ये भी विद्वान है, जड़वादी विचारक है, इसको भी महर्षि की उपाधि दे दो, हमने ईसा की तरह सूली पे नहीं चढ़ाया उसे, हम उस परंपरा से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तो बहुत बाद में बना, हजारों साल पहले इस धरती ने कहा अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और आगे बढ़े तो आत्मवत सर्वभूतेषु, सब अपने जैसे यार, एक ही चेतना सब में निवास करती है। और मुझे गर्व ये कहते हुए ये धरती वो धरती है जिसके गांव गांव में, जब हम बच्चे थे अपने गांव में रहते थे तो पंडित जी कथा करने आते थे और कथा करके कहते थे धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, क्या अद्भुत भाव है आप कल्पना कर सकते हैं। धर्म कीजिए अधर्म का नाश और प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं और कल्याण विश्व का हो, अद्भुत धरती है। यहां के ऋषियों ने गाया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुग्भाग् भवेत्। इस धरती को प्रणाम, यहां के ऋषियों को प्रणाम। और जब जब ऐसा लगा कि हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं, जड़ता गुलामी कुरीतियां गलत चीजों का प्रभाव बढ़ रहा है, तब तब अवतरण धरती पर हुआ है समाज को दिशा देने के लिए, भटकों को संभालने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, फिर से नव निर्माण के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभि योगे योगे। और ऐसे परम पूज्य गुरुदेव पधारे, उनके जीवन को तो देखो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, अब विद्वान पंडित ब्राह्मण परिवार में जन्मे जागीरदार, लेकिन घर में काम करने वाली कोई अनुसूचित जाति की अगर कोई मां कोई बहन बीमार हो गई और घाव ऐसा हो गया वहां कीड़े भी पड़ गए गैंग्रीन जैसा, तो
पता लगते ही गंदी गलियों में घुस के उस माँ और बहन की सेवा करने का काम श्री राम ही तो कर सकते हैं। घर में नाराजी, गंगा जल के स्नान, कथा के विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन बचपन से ये भाव, जात पात का भेद नहीं, इंसान इंसान में कैसे भेद किया जा सकता है। मानवीय गरिमा किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो एक है, उस भाव का बचपन में प्रकटीकरण, सेवा का भाव, लेकिन देश की स्वतंत्रता का भाव, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले भी जाए भले ही जाए। और जब श्री राम के हाथों से झंडा छीनने की कोशिश हुई तो दांत में दबा लिया, बेहोश हो गए पिटते पिटते, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा, इसलिए श्री राम मत हो गए, श्री राम मत। रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महर्षि अरविंद घोष हो, समकालीन महापुरुष पंडित महामना मालवीय, दीक्षा उनसे 15 साल की उम्र में ली, समकालीन महापुरुषों से उनके संवाद, उनका संपर्क, कई बार जेल गए आजादी की लड़ाई में, लेकिन एक चिंता हमेशा गुरुदेव को कि आजादी तो मिल जाएगी लेकिन आजादी के बाद होगा क्या, केवल आजादी पर्याप्त नहीं है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, नव निर्माण की आवश्यकता है। और इसलिए फिर ये अभियान में मैं जो मानता हूं कि आजाद हो गए और दिशाहीन हो गए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्र का नव निर्माण, सही दिशा में, पुरानी नींव नया निर्माण, ये करना पड़ेगा, तो इसके लिए लोग चाहिए। और लोग कैसे चाहिए? देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी, केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज के सेवा करने वाले लोग चाहिए। राष्ट्र महान कैसे बनेगा? जब व्यक्ति ठीक होंगे। और इसलिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया। और हम में से कितने बदल गए, कितने बन गए? एक नहीं, अनेकों। मैं तो छोटा सा था, गांव में पैदा हुआ, नर्मदा जी के तट पे मेरा गांव जैत, साधु संत परिक्रमा करने आते थे, जैसे गंगा मैया है वैसी नर्मदा मैया, मध्य प्रदेश वाले जानते होंगे, मां मान के हम पूजा करते हैं, वैसे भी हमारे लिए नदियां जलवाहकाएं नहीं है, पवित्र माताएं हैं हमारी। मैं साधु संतों की संगत करने की कोशिश करता लेकिन मन में बेचैनी रहती। वैसे मैं ही एक दिन मेरे हाथ अखंड ज्योति लग गई, अखंड ज्योति। मैं तब भी पूजा पाठ करने की कोशिश करता था जितना मुझसे बनता था, लेकिन दिशा नहीं थी। अखंड ज्योति मैंने पढ़ी तो एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा, एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा। और मेरे बाल मन ने तय किया कि नहीं, रास्ता तो यही ठीक है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार और दूसरी तरफ अखंड ज्योति। मैंने अखंड ज्योति में जो विधि लिखी थी उससे ही गायत्री की साधना प्रारंभ कर दी, मां गायत्री की। जैसा मुझसे बनता मैं करता, रोज पूजा करता, उपासना करता, साधना करता, मतलब मंत्र का जप करता, और आनंद का निर्झरना झरझर झरने लगता,
आनंद आने लगता। और फिर मन में प्रबल उत्कंठा पैदा हुई, भाई गुरुदेव से मिलना है। ये क्रांति बीज है, लेख नहीं थे। आप एक व्यक्ति को सोचो तो वो समाज सुधारक, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो क्रांतिकारी, वो साधक, वो लेखक, वो चिंतक, वो कवि, वो लोगों की जिंदगी बदलने वाले, वो संत, वो महापुरुष। मुझे लगा कि शिवराज मिलना तो है रे, अब मिलूं तो कैसे मिलूं। भोपाल में पढ़ता था, गांव से भोपाल भेज दिया गया था। तो एक दिन पता चला कि गायत्री शक्ति पीठ की स्थापना उस समय हो रही थी 80-81, और कार्य पूर्ण होने के बाद शक्ति पीठों का उद्घाटन करने, प्रारंभ करने परम पूज्य गुरुदेव पधार रहे थे। तो मैं भोपाल में, मुझे पता चला होशंगाबाद आने वाले। मैंने कहा मन की मुराद पूरी हो गई, अब दर्शन होंगे। मैं प्रतीक्षा करने लगा उस दिन की। भोपाल से बस में बैठा, होशंगाबाद उतरा, एक लाज में रुका। शाम को परम पूज्य गुरुदेव आए सेठानी घाट पे, जो होशंगाबाद को जानते होंगे, मध्य प्रदेश वाले वो जानते होंगे। उनके प्रवचन, उद्बोधन, मार्गदर्शन जो भी कहिए, मैं सुनने पहुंच गया। दूर बैठा था, एक टक उनकी तरफ निहार रहा था। उनकी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कर रहा था, उनको सुनता रहा। सहज सरल भाषा में उनकी वाणी का प्रवाह जैसे कानों में अमृत घोल रहा हो। मैं एकटक उन्हें निहारता रहा और सुनता रहा, लेकिन मिल नहीं पाया। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे से उनको दीक्षा देना था, मैं लाइन में जाके खड़ा हो गया। लाइन लंबी लगी थी, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते, गुरुदेव चंदन का टीका माथे पे लगाते, और मैं कल्पना ही कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा और टीका लगेगा तो क्या होगा। वो क्षण आ गया, मैंने अपनी गर्दन झुकाई, उनने अपनी आंखें उठाई और उनकी नजरें मेरी नजरों से मिल गई। मैं एक टक निहारता रहा, वो एक क्षण देखते रहे। ऊर्जा का स्रोत जैसे मेरे शरीर के अंदर फूट पड़ा। फिर धीरे से उनकी उंगली चंदन के पात्र में गई, उंगली उठी और जैसे ही माथे को स्पर्श किया, वो स्पर्श, गुरुदेव की आंखें वैसी की वैसी मुझे सदैव दिखाई देती है, सदैव। कई दिनों तक मैंने ये घटना बताई नहीं, लेकिन बाद में कहा दिल ने कि इसको छुपाने से क्या फायदा। अद्भुत क्षण, मेरी जिंदगी का सौभाग्यशाली क्षण। और मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला क्षण। और आज भी जब यहां घुसा तो गुरुदेव दिखाई दिए, उनकी आंखें जैसे मुझे ही देख रही है। अब पहले मैं सोचता था कि गलतफहमी तो नहीं है शिवराज, कई बार भाव से सोच लेते हैं तो हो जाता है। अब कोई कुछ भी माने, मुझे तो गुरुदेव देखते हैं और मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं और काम करने निकल पड़ता हूं।
जिनको मानना माने, नहीं मानना नहीं माने, मुझे क्या लेने देना। मैं मस्त हूं, मत की तरह मस्त, आनंद आता है और रोज काम में जुट जाते हैं। उसके बाद कई तरह की घटना हुई। एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं, मैं बहुत दार्शनिक नहीं बोल रहा। हमारे गांव में मलुआ भैया था, जाति के चर्मकार थे, और उस समय जब मेरा बचपन था, याद से लगभग 47-48 साल पहले की बात कर रहा हूं, गांव में जाति भेद छुआछूत बहुत थी। मलुआ के घर बहुत दिनों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ, संतान पैदा नहीं हो रही थी, कई वर्षों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। मैं गांव में क्या करता था, एक्टिव था, तो धार्मिक गतिविधियों में लगे रहते थे। तो गांव में मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित थी अखंड रामायण, 24 घंटे का पाठ होता था रामचरितमानस का, तुलसीदास जी के, गा के बजा के आनंद से रात में पढ़ते थे, और दिन में जल्दी जल्दी पढ़ के कैसे पूरा हो जाए उसकी कोशिश भी होती थी। अच्छा, ज़्यादा पैसा लगता नहीं था, 10 रुपया में पूरी रामायण जी अखंड रामायण हो जाती थी। घी का दीपक जलाना है, पंडित जी को 1.25 रुपया देते थे उस समय, नारियल, ज्यादा कुछ लगता नहीं था। तो हम उसके लिए चंदा करते थे, पैसा इकट्ठा करना होता, अठन्नी 1 रुपया, तो 10 रुपया हो गया, अखंड रामायण का पाठ करा दिया। मलुआ के घर बेटी हुई तो मलुआ ने मुझे कहा, भैया जिस भाषा में कहा, मैं भी रामायण जी में चंदा दे सकूं है का? हरिमन का, क्यों नहीं दे सकते, देव बोले, हाँ मेरे बेटे, मेरे घर बेटी आई है, बहुत दिन बाद संतान पैदा हुई है, मैं 2 रुपया का नोट उस समय चलता था, वो मलुआ ने मुझे दिया, मैं छोटा था। गांव में बात फैल गई कि रामायण हो रही है और मलुआ ने चंदा दिया है, मेरी पेशी हो गई, चंदा वापस कर, हम मर गए क्या, इतने लोग मलुआ के कैसे ले दिए, बहन का चंदा तो वापस नहीं होगा। अखंड रामायण तो मलुआ के 2 रुपये से होगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं डांटा गया, फटकारा गया मुझे, लेकिन मैंने मलुआ के रुपये से रामायण की, कि मारना है मार लो, पीटना है पीट लो, ये भेदभाव सहन नहीं कर सकता। आखिर मलुआ सोचेगा क्या कि मेरी रामायण, मेरी खून पसीने की कमाई का पैसा नहीं लग सकता रामायण? डर नहीं लगा, क्योंकि गुरु जी की आंखें देख रही थी। गांव में उस समय किसान मजदूरी पर लगाते थे हरवाहे और चरवाहे। हरवाहे का मतलब जो हल चलाता है, बखर जोतता है, अब तो ट्रैक्टरों ने जगह ले ली, और चरवाहा का मतलब जो पशुओं को, गाय को, बैल को, भैंस को चराने का काम करता। चरवाहे छोटे छोटे बच्चे होते थे, 10-12 साल के। हमारे यहां चरवाहा था बुद्धा। सर्दी के दिन थे, बुद्धा एक दिन देर से आया, और उस समय कोई काम के घंटे तय नहीं थे, सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करना पड़ता था, वो अन्याय था। सर्दी के दिन में बुद्धा देर से आया तो मेरे चाचा जी ने बुद्धा को बहुत बुरी तरह डांटा, वो शब्द बयान नहीं कर सकता। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरी दादी माँ ने कहा, बेटा ठंड बहुत है, रजाई ओढ़ के सो जा, ठंड लग जाएगी। मेरा मन बेचैन हो गया कि बुद्धा डांट खा रहा है। बुद्धा के गाल टेढ़े हुए थे, पांव में बीमारियां फटफटी हुई थी, और मुझे कहा जा रहा है कि रजाई में सो जा। मुझे लगा ये ठीक नहीं है, गुरुजी की आंखों ने जैसे फिर देखा हो। और मैंने मजदूरों को इकट्ठा करने की कोशिश की,
और मैंने कहा काम के घंटे तय होना चाहिए और ये ठीक नहीं है। पहले नाप के मजदूरी कूड़े में और पाई में देते थे, यहाँ मुझे पता नहीं अलग अलग, हमारे यहाँ कहते थे कूड़ा मतलब एक बर्तन होता था नापने का जिसमें 5 किलो से ज़्यादा अनाज आता था और एक पाई होती थी जिसमें 1.25 किलो के आसपास अनाज आता था। तो दिन भर काम की 2.5 पाई, मैंने कहा इतना ही अन्याय है, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। तो वो बोले मुझे कि भैया कैसे हो सकता है ये, मैंने कहा आंदोलन करेंगे। बोले आंदोलन से क्या होगा, मैंने कहा करके तो देखो। तो हमने कुछ मजदूर इकट्ठे हुए, कुछ नहीं हुए, बिजली थी नहीं गांव में, गैस बत्ती जलाई पेट्रोमैक्स मेंटल बांध के घास लेट के तेल से जलती थी, 20-25 मुश्किल से मजदूर इकट्ठे हुए, एक ने सिर पे गैस बत्ती रखी और मैं साथ साथ, बाकी पीछे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे नहीं तो काम बंद करेंगे। लेकिन जैसे जुलूस मेरे घर पहुंचा, घर के दरवाजे के पास, तो लठ लेके कक्का जी आ गए, बोले हाँ मैं देता हूँ 5 पाई। गैस बत्ती फेंक फाक के मजदूर तो भग गए, मैं फंस गया। उसके बाद जो पिटाई हुई है मैं ही जानता हूं। मैं फिर भोपाल भेज दिया गया। किसानों ने कहा कि मेरे पिताजी को बाबूजी कहते थे, बाबूजी जो मुरहा तो बिगाड़ रहा हूं मजदूरों, लेकिन गुरुजी की आंखें फिर दिखाई दी, प्रेरणा मिलती गई कुछ कर। ये मनुष्य जीवन काय के लिए, केवल पेट भरने के लिए नहीं है। और उसी में से मैं काम करते करते, देखिए अजब तरह के संयोग हैं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं राजनीति में काम करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। लेकिन फिर जैसे मुझे प्रेरणा दी गई कि अगर ज्यादा काम प्रभावी करना तो केवल आंदोलन से क्या होता है, अगर अधिकार होंगे तो बेहतर सेवा कर पाएगा। और इसलिए राजनीति में प्रवेश कभी सोचा नहीं था, और वो भी गजब तरीके से हुआ। मुझे कहने में आनंद और प्रसन्नता आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्कार भी, जेल भी मैं आपातकाल में गया, जेल से निकल के मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम बहुत कमजोर था, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, आप अन्यथा मत लीजिए, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से था तो वहां पार्टी हारती थी, तो मुझे लगा कि हाँ डट के काम करना चाहिए, और नहीं तो अपन काहे के कार्यकर्ता। फिर तो मुझे लगा कि हाँ काम, और मुझे फिर आज परिवार के सामने मैं, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं, फिर मुझे गुरुदेव की चमकती हुई आंखें दिखाई दी और लगा कह रहे हैं उतर जा। अरे मैंने काम शुरू किया तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया था, हमने तय किया कि यहां अन्याय हो रहा है, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, यहां करना भी नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार थी तो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और पार्टी का काम जमाना चाहिए, क्या करें। तो मन में भाव आया कि पद यात्रा करो, वो लोगों को जोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है। अब पदयात्रा में मेरी कोई राजनीतिक हैसियत तो थी नहीं, तो मैंने तय किया मैं पदयात्रा करूंगा सलकनपुर से, सलकनपुर में देवी जी का मंदिर है। तो पार्टी के बहुत इक्का दुक्का कार्यकर्ता, तो उन्होंने कहा तेरी पदयात्रा में कौन आएगा भैया, काय को फालतू परेशान हो रहा है पदयात्रा में। तो मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। तो दो लोग हम, एक मैं था, एक पटवा करके एक बच्चा था, एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला, हम दोनों निकले देवी जी की पूजन करके। गांव में जाते तो मैं नारे लगाता तो वो जवाब देता, वो नारे लगाता तो मैं जवाब देता। धीरे धीरे लोग कहते क्या बात है भाई, तो माइक माइक तो थे नहीं, हम वैसे ही कहते बहुत अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, यहाँ भ्रष्टाचार है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, कुछ को समझ में आता कुछ को नहीं आता, कुछ कुछ कहने लगे नहीं नहीं बात तो सही कह रहा है लड़का। फिर पगले कई मिल ही जाते हैं हमारी उम्र के, जुड़ने लगे, उन्होंने कहा कि यार अब दूसरे गांव जा रहे हैं तो चलो हम भी संग चलते हैं, तो 2 के बजाय 5-10 संग चलने लगे। अब 5-10 जब गांव में जाके नारे लगाए तो 25 इकट्ठे होने लगे,
तो फिर मंदिर पे, गांव के चबूतरे पे या चौगान में जहां मौका मिलता वहां बिना माइक के हम भाषण देने लगे। अब पता चला कि 5-10 के बजाय 25-25, 30-30 चलने लगे। एक गांव हम प्रवेश कर रहे थे तो पता चला कि वहां माइक लगा हुआ और कोई अनाउंस कर रहा था कि वीर बालक शिवराज सिंह आ रहा है, आइए सभा सुनने। मैंने कहा यार अपने लिए है क्या ये? तो सही में माइक लगा दिया। बोले हमने सुना कि लड़का बात अच्छी करता है तो गला बैठ गया बोल बोल के, तो माइक लगा दो। तो माइक लग गया साहब। एक गांव से दूसरे गांव छोड़ने वालों की संख्या 25-50 हो गई। फिर हम गांव गांव में सूची बनाने लगे कौन कौन साथ है, तो सूची बनने लगी। और फिर वहीं हम आह्वान करने लगे, 4 अप्रैल अभी तक मुझे याद है, चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। फिर 2-4 ऐसे मिल गए कि भाई साहब दीवार पर लिख देते हैं 4 अप्रैल चलो बुधनी, तो नील घोल के डिब्बा में और जगह जगह लिखने लगे 4 अप्रैल चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी। 45 दिन में पैदल चला, जब चले थे तब 2 थे, और सबको हम आह्वान करते हुए चल रहे थे कि 4 अप्रैल चलो बुधनी। तो मैंने उस समय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको फोन करके निवेदन किया कि मेरी पदयात्रा चल रही तो उसके समापन में आप आएंगे क्या? तो मुझे उन्होंने डांट दिया कि बुधनी में 4 तो आदमी इकट्ठे होते नहीं, मुझे कह रहा आएंगे, मैं नहीं आता। तो कोई नेता आने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पदयात्रा समाप्त हुई तो 7,000 लोग पदयात्रा के समापन में आए, मैं अकेला ही चला था, जान वे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। धीरे धीरे नाम चर्चा में आने लगा, हम नेता बन गए। और अगली बार जब चुनाव की बारी आई, मैंने बीच में बहुत आंदोलन किए तो लोगों ने कहा कि नहीं वो चुनाव तो शिवराज को ही लड़ाओ। तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि लड़ूं, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया, हम विधायक बन गए। फिर गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के बैठे, अब क्या करें, तो फिर चमकती आंखें दिखाई दी। 1.25 साल बाद सांसद का चुनाव लड़ा दिया हमें। क्या हुआ कि अटल जी 2 जगह से लड़े थे, श्रद्धेय अटल जी, एक लखनऊ और एक विदिशा, और दोनों जगह से जीत गए। वो जीत नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जहां से ज्यादा वोट से जीतूंगा वो सीट अपने पास रखूंगा। तो लखनऊ से जीते 1,16,000 वोट से, विदिशा से जीते 1,04,000 से। अच्छा, उस समय क्या हुआ, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में थी, पटवा जी चीफ मिनिस्टर थे, तो लेकिन 40 में से छत्तीसगढ़ एक था उस समय, 40 में से 28 सीटें भाजपा हार गई थी, केवल 12 जीत पाई थी। तो पार्टी के सामने चैलेंज था कि ये विदिशा खाली हो रही है, जीतना जरूरी है। तो फिर मुझे बुलाया और कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा अभी 1.25 साल तो हुआ नहीं विधायक बने, जरा क्षेत्र में सेवा करने, तो मैं तो अभी विधानसभा में रहूँगा। फिर मुझे डांट के कहा कि नहीं लड़ना पड़ेगा। तो हमने फिर हाथ जोड़े तो फिर गुरु जी की आँखें दिखाई दी, हम चुनाव लड़ लिए, जीत गए, तो लोकसभा में आ गए। फिर एक बार नहीं, 5-5 बार आए, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। और उसके बाद फिर पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा थी, नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बन गए। तो तब से काम कर रहे हैं, लेकिन मन में हमेशा उनकी प्रेरणा से और संघ के संस्कारों से एक ही बात रही कि एक एक क्षण का उपयोग कर शिवराज तू। मैं ये बात कहीं बाहर के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि महिमामंडित करना कभी भी उचित नहीं होता। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है मनुष्य का, वो भाव सवाल ही नहीं। लेकिन चूंकि परिवार में बात हो रही थी इसलिए शायद पहली बार इतना विषय मैंने निकाला, नहीं तो मैंने कभी इस तरह का विषय नहीं निकाला। लेकिन मन में एक ही चीज के एक एक क्षण का उपयोग करना है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो उसी प्रेरणा से फिर एक नई कई योजनाएं आती गई।
हम उन सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए अगर हम अपने सात आंदोलनों की बात करें तो पहला साधना, अब इसी बीच में हमें साधना भी मिल गई सांसद बनने के बाद अब वो भी इशारे हुआ लेकिन एक नित्य साधना कभी ना छूटे, एक जो काम करते हैं जनता की सेवा के वो भी साधना मान के करते हैं, और दूसरे मां की साधना उपासना, और रोज जब मैं अपने पूजा मंदिर में होता हूं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, वो वैसा का वैसा मुझे देखते जैसा पहली बार उन्होंने मुझे देखा था रोज, और न केवल देखते हैं बल्कि वो उंगली आती है माथे से लगती है और सिहरन सी उठती है और मैं फिर ऊर्जा से भर जाता हूं और काम करने निकल पड़ता हूं। लेकिन मां की उपासना भी करता हूं और ये कोशिश भी करता हूं कि अनेकों आध्यात्मिक काम सरकार स्वयं करे, इसलिए हमने एक नया विभाग बनाया आनंद विभाग मध्य प्रदेश में। हमने तय किए रोटी कपड़ा मकान धन दौलत क्या कूद भंडार अकेले उससे व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता, आनंद अंदर से निकलने वाली चीज है, उसका धन दौलत से कोई संबंध नहीं है। मैं लंबा नहीं बोलूंगा लेकिन अनेकों प्रयोग हमने ऐसे किए। अभी कल जब मैं आया तो श्रीदेव चिन्मय जी को हमने आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाने वाली उसकी रेप्लिका दी भेंट की, क्योंकि उनको गुरु मिले थे गोविंद गौड़पाद जी ओंकारेश्वर में, अद्वैत वेदांत संस्थान वहां बनेगा, महाकाल महाराज के परिसर को अलग ढंग से बनाने का काम हो रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जनता की सेवा साधना है। और इसलिए मेरे दिमाग में एक एक क्षण भी बेकार ना जाए, और रोज रात में सोचता हूं कल क्या करना है, और दूसरे दिन ये कि प्रार्थना यही करता हूं कि आज का दिन सफल रहे, बेकार नहीं चला जाए, कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। वो कई तरह की योजना है उसको इंप्लीमेंट करने का भाव मन में रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा, कैसे और बेहतर करें, इस साल नए विद्यालय कुछ खोल रहे हैं जो संस्कार भी देंगे, ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना, जो काम यहां होता है, मतलब ये अद्भुत है। हमारा विश्वविद्यालय जिस ढंग से शिक्षा दे रहा है मैं तो चमत्कृत हूं, और बेटा बेटियां बैठे हैं, ये सचमुच में जीवन बदलने का अभियान है, और सौभाग्यशाली हो मेरे बच्चों के तुम यहां आ पाए हो। लेकिन बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है, और इसलिए सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा कैसे मिले हमारी चिंता है। मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा, हम 15-20-25 गांव के बीच में एक स्कूल बना रहे हैं, अभी साल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी क्या गांव गांव में पॉपुलर डिमांड होती थी हमारे हाई स्कूल खोल दो, हायर सेकेंडरी खोल दो, हमने खोले भी बहुत, कॉलेज भी मैंने बहुत खोले। मैंने कहा शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए, शहरों में आके नहीं पढ़ सकता गरीब आदमी, किराए का कमरे के पैसे नहीं है, तो हमने खोले काफी, लेकिन मुझे लगा गुणवत्ता विहीन विद्यालय की संख्या बढ़ाने से क्या अर्थ, गणित के विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है गांव में फिर, तो हमको लगा कि 15-20-25 गांव के बीच में एक स्कूल, यहाँ 5-7 हजार बच्चे पढ़े, जहाँ लैब हो, लाइब्रेरी हो, प्लेग्राउंड हो,
स्मार्ट क्लास हो, संस्कारों की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी हो सकता है जो सामने, क्योंकि जो गरीब है या किसान है उनके बच्चे तो बड़े विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो और कैसे चले, इसमें आपके साथ चर्चा करके कैसे हम उस शिक्षा को बहुत बेहतर दे पाए। ज्ञान देने ही है, लेकिन मैंने देखा कौशल देने का काम यहां। देखिए, पढ़ने के बाद अगर हाथों में इतनी कुशलता नहीं है कि आजीविका चल सके तो फिर पढ़ाई का क्या अर्थ है, आप बताइए। हम ऐसी फौज तैयार कर ले, हमारे यहां गांव में कहते थे कम पढ़ा हर से गया और ज्यादा पढ़ा घर से गया, हर मतलब फिर हल नहीं चला सकता, पढ़ लिया और ज्यादा पढ़ गया तो कह लगा अब किसी काम का ही नहीं है ये, सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली तो सब बेकार। तो कौशल जरूरी जो यहां दिया जा रहा है, और नागरिकता के संस्कार कहें, अच्छे संस्कार कहें, इंसान बनाना शिक्षा, वो विवेकानंद जी कहते जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे सा विद्या या विमुक्ता ही, तो उस दिशा में काम। तीसरा, स्वास्थ्य का आंदोलन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार योग, अब मैं भी योग प्राणायाम नियमित रूप से करता हूं, किसी दिन बहुत व्यस्तता हो तो बात अलग है। मैं एलोपैथी का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, जहां जरूरत पड़े वहां एलोपैथी का इस्तेमाल, लेकिन हमारी जो आयुष आयुर्वेद और बाकी जो पद्धतियां हैं, हमने एक देवारण्य योजना मध्य प्रदेश में शुरू की, इसमें जड़ी बूटियां, मध्य प्रदेश में दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, उनका संग्रहण, उनकी प्रोसेसिंग करके दवाइयां बनाना, ताकि उधर हमारे वनवासी भाइयों बहनों को भी रोजगार मिले और इधर शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिले, और शिक्षा में भी योग को जोड़ना, और उसके साथ साथ स्वावलंबन का आंदोलन। यहां कुटीर उद्योग, अलग अलग उद्योगों के माध्यम से रोजगार, मध्य प्रदेश में भी हमने आजीविका मिशन, बच्चे को अलग अलग रोजगार के साधन, स्वरोजगार के साधन कैसे मिले, उसका एक अभियान प्रारंभ किया है। अब पर्यावरण का आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव जी की प्रेरणा से चल रहा है, उसी में से ये बात पैदा हुई कि मैं रोज एक बजे कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, सबसे कहो पेड़ लगाओ, खुद लगा ही नहीं रहे, तो हमने तय किया कि शिवराज रोज एक पेड़ लगा, तो मैं घोषित रूप से रोज मेरी दिनचर्या में शामिल है, रोज पेड़ लगाता हूं, मतलब मंदिर में पूजा करके गाय को रोटी खिलाना, गाय ने दो बछिया है हमारी, आज हम तीन बार मुख्यमंत्री के बाद चौथी बार बनने के पहले बीच में गैप आ गया था सवा साल का तो हमने तो सोचा था लंबा हो गया, लेकिन फिर चमत्कार हुआ, अब आंखों का चमत्कार, सवा साल बाद फिर आ गए। अच्छा, जब हम चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो नवरात्रि में अपनी साधना होती है, शारदीय नवरात्रि में हम विधिवत करते हैं पूरी और यज्ञ भी करते हैं। रात्र को अष्टमी की रात थी, आहुति हम लोग डाल रहे थे। अच्छा, मैं जब भी सीएम हाउस में रहा मैं गाय जरूर ले आता हूँ वहाँ, पहले दो गाय हम लाए थे, दो की जब हम निकले तो 44 हो गई थी। अब वो खेत में हम चौथी बार बने तो फिर दो गाय ले आए, अब दो गाय की बछिया अष्टमी की रात में, जैसे ही हमारा हवन पूरा हुआ और बछिया का जन्म हुआ तो साधना ने नाम रख दिया अष्टमी। वो अष्टमी लड़ियाती बहुत है जैसे ही टाइम हो जाता है, रोटी नहीं मिलती तो चिल्लाने लगती है, तो उसको बिना खिलाए मैं जा नहीं सकता कहीं। तो अष्टमी और एक पैदा हुई धनतेरस के दिन, उसका नाम धन्वंतरी, दोनों को रोटी खिलानी पड़ती, और उसके बाद पेड़ लगाता हूं,
रोज नियम से अगर भोपाल में हुआ तो एक स्थान तय वहां लगाता हूं। आज सौभाग्य मिला कि विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ लगाया और प्रेरणा मैं सबको ये कहता हूं कि रोज मत लगाओ, हर खुशी के मौके पे तो लगा दो, जन्मदिन पे लगा दो, शादी की वर्षगांठ पे लगा दो ही मिलके, या पिताजी माताजी की स्मृति में लगा दो, तो पर्यावरण का अभियान। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में हम अलग अलग तरीके से स्वच्छ नदियां कैसे बने, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही ग्लासगो में जाके, मोदी जी आज कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड। और जब मोदी जी ने यह कहा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड एंड वन नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में भी क्लीन एनर्जी, सौर ऊर्जा, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, उस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं, ये भी गुरुदेव की प्रेरणा है। और नारी जागरण पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतनी कहूंगा कि हमने एक योजना बनाई, क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, सांसद विधायक भी नहीं था, तब निर्धन बेटियों की शादी एक समस्या होती थी, वो करने की कोशिश मित्रों के साथ करता था। तो मैं एक ऐसी सामाजिक सभा में मैं वक्ता अच्छा बन गया था, तो जब तक कोई मुख्य अतिथि नहीं आ जाए तब तक टाइम काटने के लिए कई बार किसी को खड़ा कर देते हैं कि बोलो। तो एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में गया तो मुख्य अतिथि नहीं आए, तो उन्होंने कहा शिवराज अच्छा बोलता है इसी को खड़ा कर दो। तो मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो ही कल है। तो एक अम्मा खड़ी हो गई बूढ़ी, बड़ी बात कर रहा है बेटी को आन दो बेटी को आन दो, बेटी आ गई और शादी के लायक हो गई तो दहेज में शादी के पैसा का तू देगा इंतजाम, तू करवाएगा, आने दो बेटी को। अब मेरा माथा ठनका कि ये केवल भाषण से नहीं हो सकता, बेटी को जब तक लोग बोझ मानेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की अपने मित्रों के सहयोग से। और जब मैं सांसद बना तो मेरी जिंदगी में साधना भी आ गई, तो हम दोनों बड़ी श्रद्धा से बेटियों की शादी मध्य प्रदेश वाले जानते करते थे मित्रों के सहयोग से। और मैं सांसद का अपना जो भत्ता मिलता था, वेतन और भत्ता दो अलग अलग हिस्से होते हैं, तो भत्ते का जो पैसा बचा के रखता था वो शादी में खर्च करता था। फिर हमने सात बेटी, और एक दिन मैं गाँव में गया तो लोगों ने कहा कि ये तीन बेटियाँ हैं, इनके तो माँ बाप है ही नहीं, छोटी छोटी बेटियाँ हैं, तो बोले इनकी कुछ मदद कर दो। मैं उस समय सांसद था, मुझे लगा कि हमने अगर 5-10 हज़ार रुपया दिलवा भी दिए तो क्या होगा। तो फिर मुझे गुरुदेव की आंखें दिखाई दी और मैं बेटियों को अपने संग ही दे गया, और जाके मैंने साधना को कहा कि तुम्हें ले आया, मैं तो नेता हूँ, मेरे पास तो टाइम है नहीं, तुम संभालो। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि तीन वो, इसके बाद और चार बेटियां अलग अलग मिली, सातों को बेटी की तरह पाल के पिछले मई में ही शादी करके विदा किया है, और उसमें इसी का इन्हीं का योगदान है। लेकिन दिमाग में एक बात आई कि मुख्यमंत्री बनते कि बेटी बोझ क्यों, बेटी को वरदान बनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने अफसर बुलाए और बुला कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि मध्य प्रदेश में जो बेटी पैदा हो वो लखपति हो। अफसरों ने सोचा नए नए बने हैं तो जरा ज़्यादा जोश आ रहा है, दो चार दिन में ठंडा हो जाएगा। हाँ बोल सर इम्पॉसिबल, ये कैसे होगा। तो मैंने कहा बहुत आसान है, पैदा होती इतने पैसा उसके नाम पर जमा कर दो कि जब वो बड़ी हो तो लाख रुपया से ज़्यादा मिल जाए। बहुत विरोध हुआ मेरी योजना का, अफसरों ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, बाद में अंत में मैंने कहा कि मुख्यमंत्री मैं हूँ,
तुम्हें रहना तो करके देना पड़ेगा, बना के लाओ योजना। तो योजना बनी लाडली लक्ष्मी, और उसमें तय किया कि बेटी पैदा होगी तो दो बेटियों तक पैदा होते ही 30,000 रुपया के बचत पत्र बेटी के नाम पे खरीद के दे देंगे, और उसका फायदा ये होगा कि पांचवी पास करके छठवीं में जाए तो 2,000, आठवीं पास करके नौवीं में जाए तो 4,000, दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाए तो 6,000, बारहवीं में फिर 6,000। और जब क्यों मैंने शिक्षा से जोड़ दिया कि इस लालच में भी पढ़ाए कि अब छठवीं ग्यारहवीं में जाएगी तो 6,000 मिलेंगे, बारहवीं में जाएगी तो 6,000 मिलेंगे, नहीं कई बार वैसे योजना बना दो तो कोई पढ़ा ही नहीं, तो हमका कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध लगाओ। और जब 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटी को मिलेंगे, ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की। मन में था कि बेटी लखपति होनी चाहिए। 41 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में, 41 लाख। और जिन बेटियों को मैंने गोद में खिला खिला के वो 6-6 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना की, इक्का दुक्का वाले तो ऐसा हुआ कि सुसु भी मेरी गोद में ही कर दी, लेकिन वो अब बारहवीं में आ गई, कॉलेज में जा रही, तो देख के ऐसा मन आनंदित होता है। फिर इस साल मैंने तय किया कॉलेज में जाएगी तो 25,000 और पाएगी पढ़ाई के लिए। उसका फर्क ये पड़ा कि जो सेक्स रेशियो था मध्य प्रदेश में, 1,000 बेटों पर 912 बेटी पैदा होती थी, इस साल अभी जो आंकड़े आए 956 बेटियां पैदा हो रही हैं, और धीरे धीरे ये संख्या मैं बराबर करना चाहता हूँ, 1,000 बेटा तो 1,000 बेटियां। मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लाली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, बारहवीं में फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी, कॉलेज की पढ़ाई के लिए अलग इंजाम, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन जन्म लेने से लेके अंतिम सांस तक मैंने सरकार को माँ बहन और बेटी के साथ खड़ी कर दिया। नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण ये जरूरी है, कुरीतियों का उन्मूलन हो, नशा समस्या है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल बंदी उसका इलाज नहीं। हम एक राज्य से खबरें सुनते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने फैसला बहुत साहसपूर्ण किया, लेकिन कितनी समस्याएं हैं। तो नशा मुक्ति आंदोलन वही एकमात्र उपाय, और ये सब अगर कर पा रहे हैं तो वो दिन था होशंगाबाद का, सेठानी घाट, गायत्री शक्तिपीठ, उनकी देखती हुई आंखें जैसे इशारा कर रही हो कि कर, और उसी से ऊर्जा मिल रही है, और वही काम निरंतर रोज प्रार्थना करता हूं कि बेहतर से बेहतर करके जिंदगी को सफल और सार्थक करें, गुरुदेव के पूरे आदेश का पालन हो जाए। पहली बार इतने विस्तार से, क्योंकि ऐसे भाषण कभी नेता देते नहीं हैं, लेकिन मैंने दिल की बात चूंकि आपने प्रेरित किया और संचालक महोदय ने भी कहा अनुभव, तो मुझे लगा कि अपनों के बीच में ये बात प्रेस के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये बात परिवार के लिए है, परिवार की बात परिवार में आके मैं सचमुच में धन्य हूँ यहाँ, और आप भी धन्य हैं कि गायत्री परिवार से जुड़ने का सौभाग्य आपको मिला है। अनेकों सद शक्तियाँ इस दिशा में काम कर रही हैं, जिनमें से प्रमुख है अपना गायत्री परिवार, और इस मंच से खड़े होके आप नोट कर लेना, आज मैं ये कहने का साहस कर रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, बाकी भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके योगदान से, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अपना देश भारत कराएगा, ये होना है, ये सुनिश्चित है, और हमारा सौभाग्य है कि उसके उपकरण हम भी बन रहे हैं, गिलहरी की तरह योगदान हम भी दे रहे हैं। आप सब सौभाग्यशालियों को मैं प्रणाम करता हूं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, बंदनिया माता जी के चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।
पूज्य गुरुवर के जीवन दर्शन को जी रहे, अनुभव कर रहे और कार्य रूप में प्रतिपादित कर रहे हमारे आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए हम सभी की एक बार पुनः से करतल ध्वनियां अभिव्यक्ति कृतज्ञता की, उन भावों की जो अखिल विश्व गायत्री परिवार आज के इस अनुभवजन्य वाक्यों के लिए आपको करता है। इस कार्यक्रम के अगले क्रम में कुछ विमोचन है। जो कार्य आपको अति प्रिय है और जो प्रतिदिन आप कर रहे हैं, आज आपने मौलश्री का वृक्ष लगाया है तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी जो सोशल इंटर्नशिप, जीवन प्रबंधन, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के विषयों को लेकर विश्व में जाना जाता है, एक नई पहल कर रहा है। वह है डिग्री हो पाना तो 5 वृक्ष लगाना। इस अभियान की शुरुआत आपके कर कमलों से आज की जा रही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसा ऐतिहासिक अभियान शुरू कर रहा है जहां विद्यार्थी 5 वृक्ष लगाएंगे, सोशल इंटर्नशिप करेंगे और इस क्रम में फिर डिग्री पाएंगे और समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियां। अगले क्रम में प्रज्ञा पुराण परिवार खंड का छत्तीसगढ़ी अनुवाद श्री पुनीत गुरुवंश जी ने किया है, उसका यहाँ पर विमोचन होगा। प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सृजित 3200 ग्रंथों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसका विमोचन यहाँ किया जा रहा है। करतल ध्वनियों से आइए अभिनंदन करें हम इसका। विभिन्न भाषाओं में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य उपस्थित है, अखंड ज्योति उपस्थित है और इसी क्रम में प्रज्ञा पुराण अब जन जन के बीच में छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका अनुवाद प्रस्तुत हो रहा है, जिसका विमोचन माननीय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से हो रहा है। साथ ही साथ स्वावलंबन के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय ग्रामीण उद्यमिता प्रबंधन, श्री दिलीप सराह जी ने यह पुस्तक लिखी है, इसका भी विमोचन इसके बाद यहाँ पर किया जा रहा है। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से इस भाव को भी उत्साह के साथ अभिव्यक्त करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने आप में सप्त क्रांतियों को लेकर के विविध रूपों में नई युवा पीढ़ी गढ़ने का कार्य कर रहा है, उसी क्रम में एक पुस्तक रूरल इंटर्नशिप मैनेजमेंट, जिसका विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भेंट करने का क्रम होगा। हम निवेदन करेंगे आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय कुलपति महोदय से कि वे अखिल विश्व गायत्री परिवार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से गायत्री के स्वयं जो साधक हैं और जिन्होंने गुरु का स्वयं स्पर्श पाया, ऐसे हमारे आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अपनी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये माँ गायत्री का स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ माँ गंगा का पवित्र जल और परम पूज्य गुरुदेव कृत वांग्मय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। हरिद्वार की पावन धरती देवभूमि पर स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यह माँ गंगा का पवित्र जल और घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा, घर घर हरिद्वार के भाव से यह देव स्थापना का चित्र एक नवीन भाव के साथ आपको प्रेषित है। आप नित्य निरंतर गायत्री साधना करते ही हैं, ये शुभकामनाएं शुभ भाव देते हुए आइए इस शांति कुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला के इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। शांति पाठ हम सब संवेद स्वर में साथ साथ करने जा रहे हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।